ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਧੀਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਟਾਂਗਰਾ ਤੇ ਹਰਮਿਲਨ ਬੈਂਸ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਟਾਂਗਰਾ ਜੋ ਕਿ ਪੀਐਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਨੇ। ਟਾਂਗਰਾ ਜੀ ਟੈਡਐਕਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀਸ, ਆਈਆਈਐਮਸ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਟਾਸਕ ਲਈ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੰਚ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਟਾਂਗਰਾ ਜੀ। संबंधित ने पेरेंट्स उनादे खिलाड़ी उनादे पिता ने साउथ एशियन गेम्स विच 1500 मीटर ले मेडल जीता अते मां ने एशियन गेम्स 800 मीटर विच सिल्वर मेडल जीता। हरमिलन बैंस दी मदर 2003 विच अर्जुन पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। मैं मंच ते बुलाना चाहवांगी हरमिलन बैंस। डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज माय कलीग उमेश शर्मा टू प्लीज कम ऑन स्टेज एंड जॉइन मी। हेलो हेलो, माइक नीचे रखना थोड़ा सा। उमेश, आज सानू पंजाब दियां दो तियां मौजूद ने, एक ते सानू इंस्पायर करती है ते एक मोटिवेट करती है। सब तो पहले टांगरा जी, मैं तानू पूछना चाहवांगी किस दी लाइफ च एक वड्डा बदला चेंज करन दे लई फर्स्ट स्टेप की होना चाहिदा? चेंज ली वॉट आई फील की यू शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर द चेंज, राइट? सो अडैप्टेबिलिटी मैनू लगता है कि कई बार असं किसी चीज़ा स्टक हो जाने, राइट? येस्टरडे ओनली आई वॉज डूइंग अ काउंसलिंग, मैं किसी ने काउंसलिंग कर रही थी एंड इट वॉज अ वेरी यू नो रिनोन्ड फैमिली ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट, बट वो मैम कह रहे थे कि नहीं मैं टीचिंग ही करनी है, मैं होर कुछ नहीं करना, राइट? सो वी यू नो समटाइम्स गेट स्टक इन थिंग्स जिहड़ियां सानू लगदियां ठीक है, बट वट आई फील कि लाइफ दे विच जिहड़ा चेंज आ वो असीं जिन्नी जल्दी अडैप्ट करांगे उन्नी जल्दी असीं अगले सीजन ते पहुंचांगे, बेस्ट मौसम ते पहुंचांगे, स्प्रिंग आएगा साडी लाइफ दे विच, राइट? सो समटाइम्स द स्प्रिंग इज ऑलसो जदों फ्लावर्स भी हुंदे आ, यू नो इट इज अ रेन अदरवाइज, राइट? ते जदों रेन हुंदी आ दैट कुड बी फ्लावर्स फॉर अस। सो कई वारी फ्रूट्स लई आपां कहिंदे ना कि मीह ज्यादा जरूरी आ, धुप ज्यादा जरूरी है। सो आई थिंक वी शुड, इफ आई से इन वन लाइन, वी शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर द चेंज। मैम, फियर्स नू ओवरकम किस तरीके नाल कोई भी शख्स या इंडिविजुअल कर सकता है? सर हुणे बहुत वधिया दस के गए आ कि आई थिंक द फर्स्ट क्वालिटी एवरीबडी शुड हैव इज की बीइंग फियरलेस, राइट? स्पेशली कोई भी वड्डी तो वड्डी चीज हो जाए, आई थिंक कि सानू ये चीज बहुत हेल्प करती है कि जदों असी किसी तो डरते नहीं आ, एंड देर आर लॉट ऑफ बिजनेसिस जेडे कि चलते ही डरते हैं, राइट? सो पीपल आर अर्निंग अ लॉट, वो कहते कि ये पर्टिकुलर प्रोफेशन आप अपनावे तो ये यू नो डर बिजनेस चलाते हैं कई लोग या तुहानू। सो लाइफ दे विच इट्स लाइक कि इफ समबडी इज under a debt of 1 CR, he should know there are people who are under a debt of 1000 CR also, wo bhi zindagi jee rahe ne, right? If you have all the family members at home, there are people jede koi family member nahi hega ta vi jee rahe ne, right? So it's all mindset. ha kaiyan layi choti cheez bahut vaddi aa ते कईयां लई कईयां नूं इस चीज दी समझ आ कि चीज जिन्नी मर्जी वड्डी होवे, यू नो दिस शैल पास, ठीक है, एयर वाला समा जिहड़ा वो लंघ ही जाना है। सो आई थिंक फेयरलेसनेस इज वन क्वालिटी स्पेशली प्रोफेशनली एंड वेन वी आर डीलिंग विद द सोसाइटी विच हेल्प्स अस अलॉट कि असी नेक्स्ट कदम लई हमेशा तैयार रहने। मैं हरमिलन तो सवाल पूछने तो पहला इतने पूछना चाहवांगा एशियन गेम किने किने देखियां सी लाइव, ठीक है? हरमिलन बैंस जो दे नाम लोकी कई बार गूगल कर दे के कुड़ी करली है ट्रैक ते दौड़ी डबल मेडलिस्ट,
ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਡਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਬਟ ਮੈਂ ਹਰਮਿਲਨ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਮਾਧੁਰੀ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਣ ਉਹ ਵੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੀ ਮੈਡਲਿਸਟ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿ ਹਰਮਿਲਨ ਨੇ ਵੀ ਐਥਲੀਟ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਪਰ ਦਾਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ ਜੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਉਹ ਮੰਨੀ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਰਟ ਪਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਐਫਰਟਸ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ ਉਹ ਐਫਰਟਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਬਣਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਟੀਚਰ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਖੁਦ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ 98 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਰੁਝਾਵ ਉੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮਾਡਲਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਰਸਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਟ ਸਟਿਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦਾਦੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੇਸ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਐਜ਼ ਐਨ ਵੀਮੈਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਆ ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਰਹੂਗਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਮਿਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਕੇਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡਲਿਸਟ ਵੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਾਦਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਂਗੜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਫੀਲ ਬਟ ਮੈਂ ਹਰਮਿਲਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਐਨਰਜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇੰਡ ਸਕੂਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਰੈਂਟ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯੰਗਸਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੀ ਯੰਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਦਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੱਸ ਦੋ ਖੁੱਲ ਕੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਫ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜੋ ਔਨ ਫੀਲਡ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੰਮੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਲੜਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਹੀ ਆ ਬਟ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸੈਲਫ ਬਿਲੀਵ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਹੈਬ ਕਰਾਉਂਦੀ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਗੋਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
मैं चलेगी जीएसडब्ल्यू, लड़के मेरी फैमिली च मतलब ऑलमोस्ट किसी ना गल नहीं हो रही। बहुत बड़ा खुलासा हर मिलन का। पापा गुस्से बहुत से कि मैंने कहा तू नहीं जाना कितने, तू जिथे मैं कह रहा इतने डॉक्टर ने रिकमेंड किया उ रीहैब करना, तो मैंने पता सी इवन वो फिजियोथेरेपिस्ट खुद कह रहे थे कि तेनों इन्नी छोटी जगह च नहीं करा सकते, तेन जीएसडब्ल्यू चले जा उ अच्छा सैटअप है उत्थे जाके कर। बहुत खिलाफ से मेरे पापा उसके, बट मैं लड़के चले गई। तो रिजल्ट इदा सीगा कि मैं सब तो पहली एथलीट बनी जिन्हें एशियन गेम का क्वालीफाई किया, इंटर यूनिवर्सिटी च अपना ही रिकॉर्ड हीट दे विच ते फाइनल दे विच ब्रेक किया। तारियां तो बनती हैं, ये अंदर सेल्फ बिलीव का एग्जांपल। उमेश, आई जस्ट वांट टू नो तुहानू मॉडलिंग दे ऑफर्स भी आए होने? हाँ जी जरूर आए ने। गुड। हाँ जी, मैं जेंजी जनरेशन बारे जानना चाहती थी। मैनू ये लगता है कि पंजाब दे विच स्पेशली वी शुड हाईलाइट दोज पर्सनैलिटीज की जेडी उन्हां दी सोच नू चेंज कर सकन, बिकॉज टाइम हैज प्रूव्ड राइट, वी हैव सो मेनी सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स इन आर ओन कंट्री कि जे आपां लाइए कि वर्ल्ड बैंक दा सीईओ आ वो भी पंजाब यू नो इंडिया दी प्रोडक्शन, या पेप्सिको दी सीईओ भी इंडिया दी प्रोडक्शन है, भावें उन्हां को यूएस सिटीजनशिप चल गई अज राइट, सुंदर पिचई आ वो भी इंडिया दी प्रोडक्शन है, लाइक कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक ये लोग इत्थे पढ़े ने राइट, इन्हां दे संस्कार ओवें ने राइट। सो साडे संस्कार, साडे कल्चर, साडी पढ़ाई ने बहुत लोगों नू हेल्प कीती है जेडे कि अज पूरे वर्ल्ड नू संभाल रहे ने डिफरेंट ब्रांड्स दे विच, एंड वाई सो ओ चीजा हाईलाइट करनिया उन ओ उत्थों तक किवें पहुंचे, उन्होंने अपना एक कल्चर अपने पेरेंट्स नू इन्नी रिस्पेक्ट दिती। इवन मैं कई बार ओबामा दी एग्जाम्पल दे दिंदी हुंदी आ कि अपनी वाइफ दी मदर नू भी नाल रख रहा अपनी फैमिली च राइट, रख रहा सी राइट। सो इस चीज दा पॉजिटिव ज्यादा या नेगेटिव जेड़ा वा पॉजिटिव जेड़े आ वो ज्यादा है, ते नेगेटिव आपा कह सकदे कि नेगेटिव थॉट्स जेड़े रोंग कल्चर साडे विच आई जा रहा वा, मैनू लगदा कि ओदे ते ध्यान देण दी बहुत लोड़ आ, क्योंकि जदों साडी नेक्स्ट जनरेशन बाहर चल जांदी आ उहनां नू किसे नू छड्डना इज नॉर्मल थिंग कि मैनू तू पसंद नहीं मैं तेनू छड्डता हुण यू नो आई एम गोइंग कि मैं नैक्सट फैमिली च जा रहा कि जा रही हाँ राइट। इत्थे साडे पिंड च जे किसे ने किसे नू छड्डना होवे ते ओह पूरा पिंड पुछदा उहनू राइट, उत्थे जे किसे नू प्रेगनेंट आ लेडी ते अपॉइंटमेंट लैनी पैंदी आ डॉक्टर तो ते कई कुछ यू नो प्रॉब्लम्स आंदियां, कई वारी लोग इत्थे फोन करदे कि तुहानू कैनेडा च कोई जानदा राइट कि साडी वाइफ नू ये प्रॉब्लम आई या डॉक्टर तो सानू ये चीज चाहिदी, इत्थे कोई प्रेगनेंट होवे ते चार बंदे नाल जांदे आ उहनू दिखाउण वास्ते ठीक है। सो ये कि वट आर द गुड थिंग्स हेयर ओ साडी नैक्सट जनरेशन नू दसण दी बहुत लोड़ आ, द ओनली पीपल हू आर प्रेफरिंग टू गो टू अदर कंट्रीज आर दोज हू हैव नॉट यू नो ट्रैवल्ड वैल, जिन्हां ने दुनिया घूमी आ उहनां नू पता है कि फाइनल टिकाना मेरा जिहड़ा वा जिथे मैं बैठा है बहुत वधिया, क्योंकि मेरा मानना है कि जे रब ने अंब दा दरख्त एक पर्टिकुलर जगह ते लाया, जे टालियां नू पंजाब च लाया इहदा मतलब वो एनवायरमेंट उहदे लई बहुत अच्छा है, इस करके उहनू उत्थे पैदा कीता। उसे तरह असीं इत्थे पैदा होए आ, साडे लई जिहड़ा बेस्ट एनवायरमेंट आ, साडे लई जिहड़ी बेस्ट एनर्जी पैदा होनी आ वो साडी इंडिया ने सानू देनी आ, साडे खाण पीन ने देनी आ, साडे मौसमां ने देनी ते साडे रिश्तेदारियां ने ते साडे पेरेंट्स ने साडे चो एनर्जी पानी आ, बट पीपल हू आर सीकिंग की एनर्जी शायद किसे होर तो आ जाएगी ते पेरेंट्स तो जिदा कि जां साडे आला दुआला एक नॉर्मल चीज आ। सो आई परसनली डोंट बिलीव इन दैट, आई बिलीव कि जिहड़ी एक्चुअल एनर्जी जे तुसीं सिखर तक पहुंच सकदे जे ओह तुहाडियां रूट्स तो तुहानूं मिलेगी, तुहानूं रूट्स नाल जिन्ना जुड़े रहोगे फ्रूट उन्ना ही वधिया होएगा। चंगा, बिल्कुल। हरमिलन जी, आपां गल करिए कि जदों मैडल आंदा है मीडिया च आंदा है एशियन गेम्स मैडलिस्ट, लेकिन बहुत घट लोगों नूं पता होंदा कि इंडिया दे तुसीं नैशनल रिकॉर्ड होल्डर हो 1500 मीटर च फास्टेस्ट एथलीट। जदों भी कोई खिलाड़ी एक ओलंपिक्स सपना होंदा है कि मेरा ओलंपिक मैडल, मैं ओलंपिक जावां, एशियन गेमां भी इक्वली क्योंकि 4 साल बाद आंदियां ने, जदों तुसीं ट्रैक ते खड़े सीगे पंजाब दी कुड़ी खड़ी है और मंच तुहाडे की चल रहा सी, हार जित नर्वसनैस, मैं कई एथलीट्स ओलंपियन नूं जाणदा जिहड़े उस टाइम अपने अपने तरीके नाल प्रिपरेशन करदे ने, अपने रूम तो उस मैदान च जाने विच दा फासला जरूर सांझा करो, क्योंकि यंग जनरेशन बहुत बैठी है और कई बार नहीं पता होंदा, चाहे एग्जाम देने चल रहे हैं किसी भी फील्ड चल रहे हैं वो जरूर साझा करो। जेड़ा रूम तो लैके स्टेडियम तक दा फासला ना
उदों ही मैटर करता जब तुसी मेहनत नहीं की होंगी, जो तुहाडी मेहनत ट्रैक ते पूरी है ना उदों तुसी सिर्फ एक ही चीज सोच के जाते हो कि आज जित के आवांगे। मैं अपने बैग दे विच दो मैडलों की जगह लैके गई सी, भर के लैके आंदी है। क्या बात है। मैनू पूरी उम्मीद सी जदों, क्योंकि मेरा ऑपरेशन भी उसी टाइम दे विच होया सी, 8 महीने के अंदर मैं उन्हें रिकवर करके बैक टू फील्ड भी आई सी। मैनू पता सी मेरे नाल किहड़े कॉम्पीटिटर्स, अपने ओपोनेंट का तुहानू पता होना चाहिए बट उन्होंने तो डरना नहीं चाहिए। मैनू पता सी कि मेरे नाल किन्ने तकड़े ने या किन्ने मेरे तो किन्ने कमजोर ने। मेरी जदों ट्रेनिंग हुई मैं पार्टिसिपेट किया नैशनल दे विच, मैं सैकेंड आई, मैं कोच ना बॉल लड़ी उत्थे अपने यूके जाके वापस, मैं यूके उस टाइम ट्रेनिंग लड़ते बहुत हो मैं सुन सर यही तो साडा यही तो हथियार है। एक और गल दसा मैनू सारे जदों मैं काफी एवं पैनल दे विच गई हां तां कहिंदे कि तू बड़क बहुत ज्यादा मार दी। मैं इत्थे आके रियलाइज किया कि सारे मारदे आ पंजाबी ते उस ते मैं कोच ना जाके लड़ी ते मैं क्या कि कोच मैनू नहीं, मैं नहीं खुश हुई क्योंकि मैं तो सैकंड आई, मैं नहीं, मैं चीज़ नू बिल्कुल पसंद नहीं किया। तो कहिंदे कि तू इस चीज़ की टेंशन ना ले, आपां एशियन गेम दे विच बहुत अच्छा करांगे। उही होया उत्थे कितने कितने पेशेंस ने भी बहुत वड्डा रोल प्ले किया क्योंकि स्पीड वर्कआउट करके जाती तो शायद मैं अगे तक उन्हें मेनटेन ना कर पाती, जिदे करके मैं बॉडी मेरी रिकवर ना कर पाती, इंडोरेंस वीक हो जाता, बहुत सारे फैक्टर्स देखने पैंदे आ। पर जदों फिर मैं एशियन गेम की तैयारी करके गई सी, फिर मैं अपने बैग च जगह भी बना के गई सी, मैडल सी, ते दो इवेंट सी 1500 तो मैं थोड़ा लूज भी हुई सी कि चल ना मैं, क्योंकि बॉडी एग्जॉस्ट उस तरीके ना होगी जो रेस दे विच होनी आ ते जो ट्रेनिंग दे विच होनी, दोनों बहुत डिफरेंट आ। उतो इंटरनेशनल पहली बार ते 800 दे विच कॉम्पीटिशन भी ज्यादा सी, एंड तुसी देखिया होना कि मैं पहली 600 दे विच आई वॉज नोवेयर। यस, पर लास्ट तक मैनू बहुत ही दिमाग ना चलना पिया क्योंकि उत्ते धक्का मुक्की बहुत होए, एक धक्के करके मेरा उस गोल्ड भी मिस होया, जो कि मैं उस चीज नू सोचदी आ कि मेरी गलती सी, मैं फसी हाँ उस, अगली बार वो गलती रिपीट नहीं करनी। बट हाँ वो जिहड़ी जर्नी आ वो ताड़ी उसी ते डिपेंड है, जे ताड़ी ताड़ी मेहनत नहीं पूरी तुसी डरदे जाओगे, जे मेहनत पूरी तुसी हौसले ना जाओगे। बट एक नाल नाल ये भी है कि जो एथलीट, क्योंकि अजकल वो दौर है कि जिथे बहुत जल्दी थोड़ी अचीवमेंट्स पब्लिक के सामने आ जाती ने, और ये भी मैं सुनिया कि हरमिलन हुन ऑफर्स ने मूवीज दे मॉडलिंग दे, यू हैव गुड फेस, क्या उस पासे भी आने वाले टाइम च आप हरमिलन देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं सर, पर मेरा एक पास यह रुझान है कि मैं कुछ ना कुछ अपने पंजाब लिए करा। ये तो मैं हूँ भी इस चीज़ नू तां कर रही हूँ बिकॉज मेरा हूँ बहुत ही बुरे तरीके ना मैं इंजर्ड हाँ, ग्रेड 2B टीयर हैमस्ट्रिंग दे टेंडन दे विच, जिन्हों बहुत टाइम लगेगा हील होने लई। तो मैं उस टाइम दे विच कुछ प्रोडक्टिव करना चाहनी जिहड़ी मेरी कि थोड़ा स्पोर्ट्स तो ज़्यादा दूर भी ना होवां, जो कि मॉडलिंग चाली रही साइड बाय साइड। बट फिर भी मैं चाहूंगी कि इन फ्यूचर अगर मैनू ये ऑप्शन हो कि मैं अपने पंजाब लिए कुछ करा तो मैं ओदे वल थोड़ा ज्यादा जाना चाहूंगी। अच्छा एक गल होर दसो, मैं पूछना भी चाहना, मैं क्योंकि स्पोर्ट्स नाल आप जुड़े रहे ने, मैं काफी एथलीट्स नूं तुसीं भी जानते हो या ओलंपियंस नाल गल करदा हुंना जदों कंपीटीशन है, और क्योंकि उतार चढ़ाव सारे दी लाइफ च आना है, क्या एस्ट्रोलॉजी नूं भी मानते हो? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती क्योंकि मैंने लगता कि अगर मैं जिस दिन मेरी इंजरी आई, मेरा नींद ऑपरेशन होना सी, मेरा उस दिन मेरे अंदरों बड़ी कॉल सी कि मिलन ना कर। एक मैं इसी चीज से एक मैसेज देना चाहूंगी जो मैं हर जगह दिनी हूं कि किसी का दिल रखन च ते अपने नुकसान च इन्ना क फर्क हुंदा है, वो फर्क समझना बहुत जरूरी है। मैं जिन्नी बार मेरी इंजरी आई मैं दिल रख दी, कोच का ही दिल रख दे मरी हाँ, तो आखिरी अंदरों कॉल अपनी बॉडी जो कॉल दिंदी है, तुसी अपने आप नूं समझना ओही सब तो वड्डी खूबी है। तुसी अपने आप नूं समझ गए तुसी मैं कहनी प्रॉब्लम च फसूंगे नहीं, ताड़ी अंदरों कॉल आ जांदी है, साडी बॉडी सानूं दस दिंदी है, तो मैं बिलीव नहीं करदी। हाँ जी टांगरा जी, तुसी वख-वख प्लेटफॉर्म्स ते गए, फेलिसिटेशन तुहानूं मिलिया, पीएम ने तुहानूं फेलिसिटेट किया, वख-वख स्टेट्स दे चीफ मिनिस्टर्स ने फेलिसिटेट किया। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि लाइफ च कदी इहो जिहा मौका भी आंदा होएगा जदों तुसी भी लैट डाउन फील करदे होगे, उस टाइम तुसी की करदे हो अपने आप नूं मोटीवेट करन दे लई? हाँ, लेट डाउनस बहुत देखे हैं मैं अपनी लाइफ च, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी, राइट? सो बट आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, मैं हमेशा एक ही चीज सोचती हाँ कि जिथो मैं शुरू किया सी उदो भी मेरे को कुछ नहीं सी, ते जो मैं बन गई हाँ, राइट? जे किते बन के असी फिर थले आ जाने हाँ, ते उस तो थले नहीं आ जा सकते जिथो आप शुरू किया हुंदा। सो माई जर्नी वॉज लाइक दैट कि मैं एक छोटे जे पिंड तो, मेरे पापा दी आटा चक्की सी, सानू बहुत ही मेहनत ना साडे पेरेंट्स ने पढ़ाया, आई वॉज यूनिवर्सिटी टॉपर, बट
आई वॉज नॉट एबल टू पे माई फीस, वो भी मैं बड़ी लेट पे की, मतलब मैनू लगता कि मैं बहुत ही ज्यादा लाइफ दे विच एक छोटी जी एज बहुत रेकोगनीशन जो मैं मिल गई ने, ते सिर्फ काम ही जेड़ा वा वो बाकी है। यंगस्टर्स नु तुसी की मैसेज देना चाहोगे आजकल यंगस्टर्स? हाँ, सो मेरा लाइफ का तजुर्बा यही कहता है कि जो भी असि कोई सोशल वर्क करना चाहते हैं तो एजुकेशन शुड बी अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज जे मैनू भी चूज करना पैजे कि मैं एक हेल्थ ते एजुकेशन च मैनू चूज करना पैजे कि मैं एक चीज है कित्थे इन्वेस्ट करांगी, सो इट इज एजुकेशन, बिकॉज जदों बंदे कोल कुछ नहीं रह जांदा पर जेड़ी उदी अपनी समझ आ उदे कोल रह जांदी आ, तुहानू हर कोई हरा सकदा है, तुहाडा पार्टनर तक तुहानू हरा सकदा है, तुहाडे फैमिली रिलेशन हरा सकते ने, कोई भी तुहानू जिंदगी च कित्थे भी धोखा दे सकदा है, पर जो तुसी पढ़ लिया, जो तुहाडी समझ बन गई, जो तुसी किसे नू एजुकेट करता, वो एक ऐसा उदे कोल गहना है कि वो फेर उठ जांदा। ठीक है, सो असी अपने बच्चों नू ए नहीं सिखाना चाहते कि आ बहुत इंटेलिजेंट आ, ए बहुत वधिया डॉक्टर आ, ए बहुत वधिया इंजीनियर आ, वी शुड टीच आर किड्स कि डिग के बार बार किवें उठना वा, कि रो के सवेरे मेकअप किदां करना तुसी, ठीक है, सट लवा के दोबारा किवें भजना, ठीक है, गोली खा के फिर किदां उठना, सो साडे बच्चों च ए स्किल होना जरूरी आ, बार बार जेडे जीरो होण ते बार बार उठ के हीरो बन के विखाण, कि उन्होंने फर्क ही ना पवे कि मैं अज जीरो हो गया वा, उन्होंने पता ही होवे कि मैं जल्दी फिर हीरो बनने वाला, ते दिस इज वेरी श्योर सारे मेरे तो काफी जाने मेरे तो वड्डे भी आ कि अगली बार असि पिछली बार नालो बेहतर ही बनते हैं। बिल्कुल, फटाफट असि वाइंड अप करेंगे, उस तो पहला एक रैपिड फायर हरमिलन थोड़े नाल जल्दी तो। फेवरेट एक्टर इंडियन? रणवीर सिंह। फेवरेट पंजाबी सिंगर? दलजीत दोसांझ। फेवरेट फूड? पंजाबी फूड आई लव बट मैनू अवॉइड करना पैंदा, मक्की रोटी सरों दा साग है जस्ट। अपने अपने विच खास गल की लगती है और खराब गल भी की लगती है अपने थोड़े विच? मैनू मेरी बस वधिया गल लगती है कि मैं उठ खड़दी हां दोबारा। शादी अपनी मर्जी नाल करोगे पेरेंट्स दी मर्जी नाल? अपनी मर्जी ते पेरेंट्स दी भी होनी चाहिए विच। अच्छा, बैलेंस हो गया हुण? बैलेंस होना, बैलेंस हो गया। ओलंपिक च हर एक दा सपना है, इंजरी तो बाद किवें आगे वधोगे? सेम सर, साड़ी एक्चुअली इहदे विच मैं थोड़ा लंबा जाऊंगी, रैपिड फायर सॉरी सर, जिहड़ी इंजरी है जदों साडी इक वार इंजरी हो जांदी फिर असीं रीहैब करदे ना, जिदा कि मैम ने मैनशन किया कि सानू जीरो तो साडी इस तो थोड़ा आप किन्ना डिग सकदे आ सर, जदों ना जिहड़ी पहले चार पौडे यही औखे, हुण एक मंथ बैड रेस्ट तो बाद दोबारा ट्रेनिंग स्टार्ट करनी, फिर दोबारा उसी टाइप की सोरनेस होनी, एक तो होंगे कि साड़ी फास्ट वर्कआउट के होनी बहुत टॉलरेटेबल होंगी है सर, ये टॉलरेट नहीं होंगी, बैड तो उठना है लगना कि हो गया, झुकन लगे सौ बार सोचना, यह साड़ी इस एज के हले मैं 26 हाँ, तो यह हालत हो जाती है जो असं रीहैब स्टार्ट करते हैं, तो यह सर जर्नी अप डाउन चलता रहता, तो डेफिनेटली हर स्पोर्ट्समैन का सपना है, तो मेरा भी यही है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार ताड़िया दे नाल साडे स्टार्स दे रहे ने दोनों तीआं पंजाब दे तीआं दा स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया मनदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरमिलन, ओवर टू यू गौरव। शुक्रिया मनदीप कौर जी और हरमिलन बैंस जी, मैं रिक्वेस्ट करांगा कि थोड़ी देर स्टेज दे उत्ते तुसीं जरूर रहना, और मैं इस जड़ा इनवाइट करना चाहांगा जगमी जमी जम्मू जी नूं कि ओह स्टेज दे उत्ते आउण ते साडे जिहड़े मेहमान ने उन्हां नूं फेलिसिटेट जरूर करन, जरूर ताड़ियां एक बारी मार दिया करो। मनदीप कौर डांगरा जी और हरमिलन बैंस जी।